आप भी अगर सुंदर चेहरा, खूबसूरत चेहरा, बेदाग चेहरा पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक। आज मैं आप लोग के सामने फेस पैक लेके आई हूँ फॉर पिगमेंटेशन। जिसके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, उनके लिए मैं आज एक फेस पैक लाई हूँ। पहले जान लेते हैं पिगमेंटेशन होता क्यों है। पिगमेंटेशन आपका सनबर्न से होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होता है, आपका जब डिलीवरी होना रहता है, प्रेगनेंसी में होता है, मेनोपॉज में होते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, तब भी पिगमेंटेशन आपका होता है। पिगमेंटेशन एक एक बूंद जैसा होता है, एक एक काले काले छोटे 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 स्पॉट होते हैं। वही चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है, एक काला धब्बा जैसा हो जाता है, वो हाइपर पिगमेंटेशन होता है। हाइपर पिगमेंटेशन आप बोल सकते हैं चांद में जैसे ग्रहण लगता है, ठीक उसी तरह फीलिंग आता है जैसे मुंह में ग्रहण लग गया हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुंह में काले धब्बे रहने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे आ जाता है। आपको लगता है मेरे को बहुत बेकार देखने लगता है। ये सच है, जो देखने में बहुत ही खराब लगता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्यों मेरा हाइपर पिगमेंटेशन था। पहले जब पिगमेंटेशन हुआ मेरे को पता नहीं चला, जब पता चला तब मेरे पूरे मुंह में काले धब्बे हो गए थे। यहाँ पे काले धब्बे थे, यहाँ पे काले धब्बे थे, ये सब चीज़ में काले धब्बे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, फेस के ये सब एरिया में ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, पूरे काले काले धब्बे थे। और आप अगर उसके ऊपर मेकअप करके भी निकलोगे तो आधा घंटे में वो मेकअप फट जाता था। और ये ज़्यादातर ड्राई स्किन में दिखाई देते हैं। अगर आपके मुंह में हाइपर पिगमेंटेशन है, वो अगर प्रेगनेंसी के कारण है तो वो चले जाएंगे, आपके प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाने के बाद वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर सनबर्न से है, मेनोपॉज से है, आपका उम्र है, उम्र के साथ साथ ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए आपको ये फेस पैक को इस्तेमाल करना है। मेरे बाल देख के आप भी सोच रहे हैं ना, ये बालों में क्या लगाई है। मैं शैम्पू बेस्ड हेयर कलर लगाई हूँ, जिसका वीडियो मैं मेरे चैनल में दी हूँ, आप लोग भी लगाइए, आपके बाल भी इतने बाउंसी होंगे। चलिए देख लेते हैं मैं फेस पैक कैसे बनाती हूँ और उसको अप्लाई कैसे करती हूँ। ये मुलेठी है, आपको यहाँ पे मुलेठी का पाउडर लेना है। तो आप मुलेठी का पाउडर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं। मैं मुलेठी का पाउडर घर में बनाई हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चम्मच मुलेठी का पाउडर ले रही हूँ, साथ में एक चम्मच बेसन ले रही हूँ। आप अगर चाहते हैं तो ये बेसन और मुलेठी का पाउडर एक साथ मिला के एक ग्लास कंटेनर में रख भी सकते हैं, जब आपका ज़रूरत पड़ेगा आप निकालेंगे और लगाएंगे। तो इस बेसन और मुलेठी के पाउडर में मैं एक चम्मच दही दे रही हूँ। आप इसमें गुलाब जल भी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं, लेकिन दही सबसे अच्छा काम करता है। इसके बाद मुलेठी का पाउडर, बेसन और दही को अच्छी तरीके से आपको मिक्सअप करना है। मेरा यहाँ पे दही थोड़ा कमती हो गया था, इसलिए मैं दही का पानी भी यहाँ पे मिला रही हूँ। मिलाने के बाद इसको एक पेस्ट तैयार करना है। इसमें मुलेठी का पाउडर ली हूँ। मुलेठी स्किन के ड्राइनेस को दूर करती है, चेहरे पर पड़े दाग धब्बे का इलाज करती है, स्किन से जुड़े आपका जितना भी प्रॉब्लम है सबको मुलेठी दूर करती है, स्किन का रंग भी निखारती है। उसके साथ ये बेसन है, बेसन आपका स्किन को क्लीन भी करते हैं और रंगत का भी निखारते हैं। और इसके साथ है दही, दही स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाते हैं। इस फेस पैक को लगाने से पहले अपने फेस को आप कोई भी फेस क्लींजर से आप क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जब तक ये आधा ना सूख जाए तब तक आप मुंह में रखे रहिए, पूरा सूखने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। जैसे आधा सूख जाए उसके बाद आप इसको धो दीजिएगा। इसको आप डेली लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मुलेठी है, मुलेठी आपके स्किन को ठंडक पहुंचाती है। आप जब भी लगाइएगा, लगाने से आपको पता चल जाएगा, आपके मुंह में एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, पूरा मुंह आपका ठंडा लगेगा, जैसे
पूरा फ्रेश लगेगा आपको। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आप सोचते हैं नहीं ये स्किन में कुछ रिएक्शन करेगी, तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप स्किन में लगाइए। देखिए मैं मुंह धो के आ गई हूँ, मेरा मुंह कितना चमक रहा है। इस पैक को लगाने के बाद आपका मुंह में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं DIY राइस वाटर फेस सीरम लगा रही हूँ, जो मेरे चैनल में दिया हुआ है, मेरा ही होममेड है जो मैं बनाई हूँ, मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है और सीरम का भी काम करता है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।